प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रस्ताव रखा कि भारत में 2028 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन या COP 33 की मेजबानी की जाए। उन्होंने भागीदारी के माध्यम से कार्बन सिंक बनाने पर केंद्रित ग्रीन क्रेडिट कार्ड पहल की शुरुआत की। दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों से उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर दुनिया के सामने एक महान उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी प्रतिबद्ध समय सीमा से 11 साल पहले उत्सर्जन तीव्रता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हमने तय किया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर विचारों, अनुभवों और शोध को एक मंच पर लाने के लिए ग्रीन क्रेडिट पर एक वैश्विक मंच लॉन्च किया। मोदी ने वैश्विक नेताओं से आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए ग्रीन क्रेडिट पहल में शामिल होने का अनुरोध किया। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव या कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जरूर जुड़ेंगे। फ्रेंड, भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। कल लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे हम सभी की उम्मीद और बड़ी है। प्रधानमंत्री ने शमन और अनुकूलन के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा परिवर्तन न्याय संगत और समावेशी होना चाहिए। मैंने हमेशा महसूस किया है कि कार्बन क्रेडिट का दायरा बहुत ही सीमित है और ये फिलॉसफी एक प्रकार से कॉमर्शियल एलिमेंट से प्रभावित है। मैंने कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भाव होना चाहिए, उसका बहुत अभाव देखा है। हमें होलिस्टिक तरीके से नई फिलॉसफी पर बल देना होगा और यही ग्रीन क्रेडिट का आधार है। प्रधानमंत्री ने समावेशी और न्यायपूर्ण उद्योग परिवर्तन पर ध्यान देने के साथ COP 28 में लीड IT 2.0 भी लॉन्च किया। अपने पहले चरण में लीड आईटी ने आयरन और स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में
ट्रांजिशन रोड मैप और नॉलेज शेयरिंग पर फोकस किया। आज 18 देश और 20 कंपनीज इस ग्रुप के सदस्य हैं। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में सर्कुलरिटी स्ट्रेटेजीज में वैश्विक सहयोग पर बल दिया है। आज इसे आगे बढ़ाते हुए हम लीड आईटी, उसमें एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। आज हम लीड आईटी 2.0 लॉन्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के समर्थक हैं। उन्होंने देशों से धरती के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और भारी उपभोक्तावाद से दूर होने की अपील की।